नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव हाजिर हूँ और हम गंगा के संगम पॉइंट पे, और आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे जो नाएं, जो ये नाव और उसके खेने वाले लोग, और ये छोटी छोटी ये चिड़िया, और ये लोगों के हुजूम आप देख सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि शोर भी बहुत है, पीछे से बैंड बाजे, और आप देख सकते हैं संगम तरफ से लोग जो है वहीं से गंगा का चरण स्पर्श करके आप आनंद लें। और हम आपको लाइव इसलिए दिखा पाए कि आज इलाहाबाद में हैं और ये गंगा का संगम क्षेत्र है जहां से हम लाइव हैं, और ये उड़ते हुए परिंदे और ये लोग जो जिस श्रद्धा से आते हैं यहां पे, और आवाज जय हो मैया यानी गंगा जी। तरीके का पुल जो किनारे किनारे लगाया गया, दूर तक आप देखिए लोग, ये पीपे का पुल, ये नए तरीके का पुल है आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये उड़ते हुए परिंदे, ये वो भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। जैसे इन चिड़ियों को खाना डाला जाता है जय, वैसे ही लोग करने के बाद कुछ ध्यान दक्षिणा देते हैं, एक संस्कृति इसी गंगा नदी के किनारे संस्कृतियों ने जन्म लिया है, और कितने शहर आबाद हुए हैं, और आज हमको भी ये शुभ अवसर मिला है कि हम इस गंगा के किनारे से लाइव हूँ। और अभी कुछ देर के बाद हम भी, हर मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य होते ही हैं, तो हम कुछ देर के बाद हम भी इसी गंगा के जल को अपने ऊपर छिड़क करके अपने पुराने पापों को धुलना चाहेंगे, और फिर आगे मनुष्य हैं तो आगे पाप होते ही रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम
पाप ना करें, पाप ना करने वाले देवता हो जाते हैं, तो लिहाजा पाप हो ही जाता है। और आगे जब कभी ईश्वर की यह असीम अनुकंपा होगी तो दोबारा इस गंगा के तलहटी पे, इस गंगा की रेती पे आने का अवसर मिलेगा और हम उस अवसर का लाभ पुनः एक अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन आज आप देखिए कि कैसे वो अद्भुत संस्कृति जो लाखों साल से जीवंत है और पता नहीं कौन सी ताकत उनको अनुप्राणित की रहती है कि वो अपने इतने मसरूफियात वक्त में से वक्त निकाल करके और यहाँ पे आके और ये आवाज़ और ये जो आप नाच देख पा रहे हैं, कल्पवास करें कि ये वो जगह है जहाँ पे आने के बाद लगता है कि जैसे होगा और उस पार झूसी का इलाका है और हमारे दोस्त अभी पीछे छूट गए। उनसे हमने कहा कि चलिए आप कम से कम आज गंगा स्नान हो ही जाए। आप देखिए इतने कितने किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देखिए तमाम तरह के लोग मुंडन संस्कार भी करा रहे हैं और अपने अपने बाल बुजुर्गों के साथ आए हुए हैं। और ये आने वाले दिनों में कल्पना करिए कि यहाँ कितनी भीड़ होगी और कितने लोग, वो वक्त मिलेगा तो हम भी दोबारा यहाँ पे वक्त की कमी है, जाने का मन नहीं कर रहा है शाम तक। अभी तो ये कम है, जब अपने ये स्नान अपने चरम पे होगा तो सोचिए कि कितने आलम, कितनी भीड़ होगी, कितनी रौनक होगी और कितने लोग यहाँ पे तब अपने परिवार के साथ आएंगे, स्नान करेंगे, दान दक्षिणा देंगे। ये वो अद्भुत, इसके पहले भी दो बार, एक बार अर्धकुंभ और एक स्नान करने का मौका मिला है और आज भी ये हमारे प्रधानमंत्री का कटआउट है, वो जलवा फरोज हैं, वो मुस्कुराते हुए जैसे हमेशा दिखते हैं वो आज भी कटआउट में भी उसी तरह से मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये उनकी ये कदा है, मुस्कुराते ही रहते हैं और दूर तक कितने स्वयंसेवी, कितने विभाग, कितने लोग लगातार लगे हुए हैं इस गंगा के किनारे। लोगों का आना जारी है, लोगों का और ये नहा तो नहीं सकता क्योंकि कपड़े नहीं लाए हैं या परिंदे देख सकते हैं, मगर ये जल, गंगा का जल हमने अपने हाथ में लिया और ये हमने अपने ऊपर
इजाजत दीजिए, हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तब तक के लिए साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू सर।